साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया चलती रहती है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहते हैं और यहाँ पर मुद्दे भी चलते रहते हैं और तमाम तरह के मुद्दे ऐसे हैं जो हमेशा सरगर्मी बने रहते हैं। अभी हाल में ही एक मामला और एक मुद्दा ऐसा है जो अभी लगातार चर्चाओं बना रहा, जिसपे सियासत भी हुई और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी रहे और ख़ास तौर से वो फिलहाल इस समय राजनीति का केंद्र बना हुआ है। जी हाँ, बात कर रहे हैं ज्ञानवापी मुद्दे की, जहाँ पर एक बड़ा फैसला आज वहाँ की जिला अदालत में दिया गया है। कार्बन डेटिंग कर आज फैसला आना था कि कार्बन डेटिंग उस कथित फब्बारे या कथित सिविलिंग को लेकर की जाए या नहीं की जाए। हिंदू पक्ष का कहना था कि वहाँ पर कार्बन डेटिंग की जाए जिससे कि सच्चाई सामने आ पाए कि ये कितना पुराना है, और मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये हमारा वजू खाना है और यहाँ पर कोई भी कार्बन डेटिंग ना की जाए। खैर, इस पर बड़ा फैसला देते हुए यहाँ पर फैसला दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, वो आदेश मई में दिया था। वो आदेश ये था कि जो वजू खाने का एरिया है जिस पर लेकर विवाद उठ रहा है उसको सील किया जाए। और निश्चित रूप से जो यहाँ आज फैसला दिया गया उसमें ये कहा भी गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, उसमें यह भी कहा गया है कि अगर हम वहाँ पर कार्बन डेटिंग कराएंगे तो निश्चित रूप से उस कथित सिविलिंग की जो कुछ क्षति भी पहुँच सकती है, जिसको देखते हुए सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ सकता है, और तमाम तरह के अंदेशा लगाते हुए यहाँ पर जिला अदालत ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। और उसके बाद जहाँ एक तरफ हिंदू पक्ष को यहाँ निराशा का सामना करना पड़ा है, तो वहीं जो मुस्लिम पक्ष भी है वहाँ पर उनको लगा कि हाँ, संविधान अभी भी है और यह हमारे देश में संविधान हमेशा हर चीज़ से उठकर एक बेहतर फैसला देता है और न्यायपालिका ने एक बेहतर फैसला यहाँ पर दिया है। खैर, लोगों की राय अलग अलग है। तुम्हारा यहाँ पर हिंदू पक्ष का कहना है कि फैसला हमारे हिसाब से नहीं आया, हमारे लिए नहीं आया, हमको निराशा हुई है और निश्चित रूप से अब इस मामले के लिए, जो कार्बन डेटिंग कराने के लिए, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम दरवाज़ा आप खटखटा जाएगा तभी फैसला यहाँ पर होगा। निश्चित रूप से यहाँ कार्बन डेटिंग की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। खिलाल कुछ बयान सुनते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला कार्बन डेटिंग के सिलसिले में आया है, ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में, उसका हम लोग तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। और सभी को इस बात का इल्म है कि 17 मई 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये ऑर्डर पास किया हुआ है कि जो भी वजू खाने का एरिया है उसको पूरी तरीके से सील करने का ऑर्डर दिया है। लिहाजा ऑलरेडी वहाँ पे किसी किस्म की कार्बन डेटिंग या कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती थी। इस वजह से जो भी आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया है उसका हम लोग खैर मकदम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द पीसफुली हल कर लिया जाए। और फिर इस बात को भी दोहराना चाहते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जिसको कि पार्लियामेंट ने बनाया और अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको और मजबूती फराहम की, वो पूरे मुल्क में प्रिवेल करे और कोई भी अब मंदिर और मस्जिद का मुद्दा ना उठाया जाए। और 353 ईयर्स पहले जो एक मस्जिद तामीर हुई और 350 साल से वहाँ पर नमाज और इबादत और अजान हो रही है, उस पर फिर से सवाल या निशान लगाया जाए, ये हम ये समझते हैं कि अपने मुल्क की रवायात, अपने मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के ख़िलाफ़ है। लिहाजा मेरी सभी से ये अपील है कि इस किस्म के जितने भी मामलात हैं उनको जितनी जल्द से जल्द हो पीसफुली बातचीत के ज़रिए से हल कर लिया जाए तो बेहतर हो। पर जो बहस है बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब भी कोई धार्मिक मामला उठता है उस पर राजनीति होती है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश का सामाजिक सौहार्द है उस पर भी आँच आने की संभावना हमें बनाई रहती है। क्योंकि हम गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं और यहाँ पर जो हमारे देश में सभी धर्मों को समान सम्मान, समान आदर प्राप्त है। पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद पर जिस तरह से राजनीति गर्म हो चुकी है, राजनीतिक सरगर्मियाँ चल रही हैं, बड़े बड़े बयान आ रहे हैं और बयान के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि ये मामला अब वो मामला नहीं रह गया जिसको हम एक हल्का मामला कह सकते थे। यूँ तो ज्ञानवापी मामला अगर हम बात करें तो 1991 में भी इस पर लेकर एक बात दाखिल किया गया था, हालांकि 1993 में उस पर स्टे लग गया था। और ये मामला अगस्त 2021 में फिर चर्चा में आया जब 5 महिलाओं ने यहाँ पर स्थित सिंगार गौरी मंदिर में नियमित पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर अनुमति मांगी थी। उसके बाद यहाँ पर तमाम कयासों के बावजूद, तमाम विरोध के बावजूद यहाँ पर सर्वे हुआ और सर्वे रिपोर्ट के बाद ये मामला
आदान चलता रहा और जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिलहाल हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, बाकी मेहमान अभी हमारे कुछ समय जुड़ेंगे हमारे साथ। हमारे साथ तैयब मोहम्मद तकी प्रवक्ता आपके रूप में पक्ष रखेंगे, नेता भाजपा से केसी भाई अपना पक्ष रखेंगे और अंकुर सक्सेना भाई आरएलडी से अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो केसी भाई, फैसला आया है यहाँ पर कोर्ट का, हालांकि कोर्ट के फैसले पर कोई प्रश्न उठा नहीं सकते हैं, पर निश्चित रूप से यहाँ पर हिंदू पक्ष को कुछ ना कुछ निराशा जरूर हुई है। और निराशा इसलिए हुई है क्योंकि सोच रहे थे कि यहाँ कार्बन डेटिंग होगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी सी विपरीत गई हैं। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और जाना भी चाहिए। हमारे देश की व्यवस्था ये है कि न्याय व्यवस्था में तमाम चरण है, जिला अदालत है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। जो व्यवस्था हमारे देश में लोकतंत्र के हिसाब से न्यायपालिका की है तो वो बहुत बेहतर है, और यहाँ पर उस हिसाब से हम हमेशा अपील करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? जी कैसे भाई जी, तो हिंदू पक्षकार जी हमेशा से न्यायालय का सम्मान करता जी, और देखिए कि वो चाहे आज की डेट में आए या पहले आए जी, या उसके पहले आए जी, तो मुगलों ने आक्रमण किया जी, और उसके बाद में तमाम सारे हमारे धार्मिक स्थलों को उसमें तोड़ा जी, और धार्मिक स्थलों को ही नहीं तोड़ा बल्कि तमाम सारी मूर्तियों को खंडित किया। औरंगजेब के पीरियड में बहुत सारे हिंदू बौद्ध जैन मंदिर सब तोड़े गए जी, तो कुल मिलाकर के उसी समय ये जो श्रृंगार गौरी मस्जिद का मामला है जी, ये उसी समय का मामला है जी। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, मुगलों ने क्या किया, आक्रांताओं ने क्या किया जी, इन सारी चीजों को अलग करके जी, आज की न्यायपालिका पे भरोसा करते हुए जी, हिंदू समाज न्यायालय की शरण में गया जी, और न्यायालय की शरण में जा करके कि इसकी सुनवाई की जाए कि यहाँ पे पूजा अर्चना बहुत दिन से नहीं की जा रही है, नहीं करने दिया जा रहा है। श्रृंगार गौरी जो मंदिर वहां पर है मस्जिद के साथ साथ, वो तो उसकी पूजा अर्चना भी बंद है, और ये कभी इसके पहले शिव मंदिर हुआ करता था, क्योंकि सामने नंदी महाराज विराजमान है और विशालकाय शिवलिंग यहाँ पे होने की उम्मीद है। और फिर क्या हुआ, जब सर्वे हुआ तो सर्वे का विरोध भी तमाम सारे लोगों ने किया, मुस्लिम पक्षकार जो हैं इन्होंने सर्वे का ही विरोध किया, लेकिन न्यायालय की शक्ति के बाद किसी तरीके से वहां पे सर्वे हुआ। जब सर्वे हुआ तो तमाम सारी चीजें उभर करके सामने आई कि जैसे कमल के फूल का निशान और तमाम सारे जीव जंतुओं के वहां पर चिन्ह, ओम का चिन्ह वहां पर, और शिवलिंग की जगह जगह पे संरचनाएं, और खास करके ये जो बड़ा शिवलिंग मिला जिसको मुस्लिम पक्षकार फव्वारा कहते हैं और हिंदू पक्षकार उसको शिवलिंग कहते हैं जी, तो इसका भी फैसला न्यायालय ही करेगा। हम तो पूर्ण रूप से न्यायालय के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसको मानने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। इसी क्रम में कि ये जल्दी फैसला हो, और वास्तव में ये कितना पुराना शिवलिंग है, इसकी चीजें उभर करके सामने आए, इसलिए इसकी कार्बन डेटिंग की मांग कुछ पक्षकारों ने की, वहीं पे कुछ पक्षकार ऐसे भी थे जो पहले से नहीं चाहते थे कार्बन डेटिंग हो, लेकिन जो जिला न्यायालय है उसने जो आदेश दिया है उसके बाद में भी अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि पहले जो रिट पड़ी थी, और ये भी इसके लिए भी लोग सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सुनवाई योग्य है और इसको जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया। साथ ही साथ ये 16-17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी दिया कि जो शिवलिंग है वहां पर जो भी चीजें मिली है उसको यथास्थिति बनाए रखे, उनकी रक्षा हो, सुरक्षा हो, और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वहां की सरकार की है, और न्यायालय उस चीज पर मॉनिटरिंग करे कि जो चीजें सामने उभर करके आए, जो चीजें मिली है वो वैसे की वैसे यथावत रहे, उनकी सुरक्षा हो। तो इन सारी चीजों को जो न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है, न्यायालय ने अपने आदेश में इन चीजों को क्लियर किया है कि किन कारणों से उस अपील को रिजेक्ट किया गया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ न्यायालय ने सारे अपने तथ्यों को ध्यान में रख करके निर्णय किया है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें पहले से कर रखा है कि यथास्थिति बनाए रखी जाए, उसी तरीके का हस्तक्षेप ना हो, और कार्बन डेटिंग लेने के लिए उसका कार्बन का पार्ट लेना पड़ेगा भाई, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बन का मिक्सचर पत्थर है वहां पर ये जिसका शिवलिंग है, तो अगर उसका पार्ट तोड़ा जाएगा जाहिर सी बात है कुछ तो क्षति होगी, भले थोड़ा सा पार्ट निकाला जाएगा, उस पार्ट को निकालने से जब क्षति होगी लोगों की भावनाएं भी आहत हो सकती हैं,
हो सकता है कि पार्ट निकालते समय ज्यादा क्षति भी हो जाए, इन सारी चीजों से बचने के लिए न्यायालय ने आदेश दिया है। लेकिन हाँ, चूंकि रोक सुप्रीम कोर्ट की है, इसका हवाला भी जिला न्यायालय ने जिला अदालत ने दिया है, तो इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है कि कार्बन डेटिंग के लिए पार्ट लिया जाए या ना लिया जाए। तो अभी भी रास्ते खुले हुए, ऐसा नहीं कि रास्ता बंद है, लेकिन जो भी आदेश होगा न्यायालय का उसका दोनों पक्षों को सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तकी भाई, बड़ा फैसला यहाँ पर आया, और आप लोग तो हमेशा बोलते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर नाइंसाफी होती है, पर कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमेशा देखे जाते हैं कि संविधान सबसे ऊपर है और न्यायपालिका सबसे ऊपर है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से आया हूँ। मैं किसी धर्म जाति का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना किसी मस्जिद का मुतवल्ली हूँ। मैं आम आदमी पार्टी का अधिकारी प्रवक्ता हूँ, आम आदमी पार्टी के नाते बोल रहा हूँ। और मैं कहता हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब वहां से शिवलिंग निकला था तो भक्तों को शिवलिंग के दर्शन कराने चाहिए थे, उनको दिखाना चाहिए था। क्यों शिवलिंग को लपेट के फौरन दे दिया गया? भाई, इतने दिनों से शिवलिंग अंदर था, भक्त उसको इसके दर्शन करना चाहते थे, आपने करोड़ों भक्तों की जो भावना उसको नहीं समझा। अच्छा। थोड़ी देर के लिए उसको सामने रखते, लोग दर्शन करते और समझ पाते शिव जो वीडियो आया तो था, भगवान शिव प्रकट हुए। वो तो बता रहे थे कि ऐसे ही फोटो लीक हो गया फोटो। अच्छा। उसके दर्शन नहीं कराए थे, उसको वहां रखते, लोगों को दर्शन कराते, लोग देखते, उनकी जो भावना उनसे जुड़ी हुई है, उनकी भावना का कदर करते, तो लोगों को समझ में आता कि भाई वहां पे शिवलिंग प्रकट हुआ है और ये किया नहीं गया, उसको फौरन छुपा दिया गया। दूसरी बात यह है कि जिस देश के अंदर कहा जाता है कण कण में शिव है, कण कण में भगवान है, लाली मेरे लाल की जित देखो तितलाल, लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। अच्छा। तो जहाँ कण कण में भगवान है, जहाँ हर बालक राम है और हर बालिका सीता है, जहाँ हर बालक कृष्ण है, हर बालिका राधा है, जहाँ कबीर है, जहाँ रहमान है, जहाँ रसखान है, जहाँ बड़े बड़े साधु संत हुए, बाबा फकीर हुए हैं, जिन्होंने सबका सम्मान किया है, तो वहां पे ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और उस देखिए, सबसे बड़ी सम्मान की बात यह है कि उस मस्जिद का नाम ज्ञान वापी मस्जिद रखा गया। अच्छा। और कभी किसी को आपत्ति नहीं हुई, आज से नहीं है, कई सौ साल से कहीं आपत्ति नहीं हुई। और भारतीय जनता पार्टी को ये, मैं पहली बार कई जगह चुका हूँ कि 2024 के चुनाव की जो है एक परिपाटी लिखी गई है, जिसके अंतर्गत इस तरह के मुद्दों को सामने लाया जाएगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी के झूठ को अच्छा। तो उसने जनता से बोला है, उसको बचाया जाए। लेकिन अब भगवान भी इनका साथ नहीं दे रहे। अच्छा। भगवान भी इनके साथ नहीं है रहे, उनको बार बार एक्सपोज कर रहे हैं, बाहर दिखा रहे हैं। अच्छा। भारत के ऊपर जो है 621 अरब डॉलर का कर्ज बकाया है। कर्ज भी आ गया भैया, सुन तो लीजिए, 621 अरब डॉलर का है, ज्ञान वापी का है। मुद्दे पे आ रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान वापी मस्जिद ज्ञान की बात कर रहे हैं आपसे। 621 अरब डॉलर का कर्जा बाकी भारत के ऊपर, विदेशी मुद्रा भंडार 472 अरब का हो गया है। जी। और उनको अगले 6 महीने के अंदर 268 करोड़ लौटाना है। लगातार गिरते जा रहा है, इतिहास गिरता जा रहा है, रुपए की गरिमा चलती आ रही है, और सबका सम्मान, हमारे देश का सम्मान जो रुपया है, वो रुपये का सम्मान हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने 30 सेकंड भारतीय किसी जन जी आपने बारी में बोलेगा, मैं आपकी बारी में नहीं बोला था, आप मुझे बारी आगे बोलेगा, बारी में नहीं बोला था। कैसे सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो हमारे सम्मान का, तो भारतीय जनता पार्टी मुझे बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों हिंदुओं की पेंशन क्यों रोकी, करोड़ों हिंदुओं की सरकारी नौकरियां क्यों खत्म कर दी, और जो आठवां वेतन कमीशन आने वाला है, हिंदू ने क्या भाई, नौकरी नौकरी होती है, ये कह रहे हैं, ये कौन सी बात है, ये कह रहे हैं मुगलों ने कर दिया, मुसलमानों ने कर दिया। अरे आप मुगलों ने आगे बढ़ा, आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या ढूंढ के, क्या ढूंढ के पेंशन बंद की गई है क्या? गौरव भाई बताइए, मुगलों ने आगे बढ़ा किया, गौरव भाई बताइए, मुगल यहाँ कैसे आए थे, आगे नहीं आए थे मुगल, मुगल यहाँ 800 साल पहले आए थे, मुगल 800 साल पहले आए थे, 200 साल आए उससे पहले, आपका इतिहास 9000 साल के इतिहास की तो बात करिए, 9000 साल के अंदर आप भगवान, तकी भाई आप बताइए, 9000 साल के अंदर ऐसा क्या रहा कि हिंदू धर्म की सुरक्षा नहीं रही, धर्मों का सम्मान क्या हुआ, सम्मान मत करिए, सम्मान न करिए, हम तो अमरनाथ यात्रा कराए, तो भगवान के भक्त हैं, अमरनाथ यात्रा कराए, और सारे शिव जहाँ अमरनाथ भी हुआ है, सब जगह अमरनाथ भी हुआ है,
सब जगह बलात्कारियों को सम्मान नहीं मिल सकता है। भगवान शिव का आशीर्वाद लेके आए हत्यारों बलात्कारियों शिव का आशीर्वाद भाई सम्मान नहीं मिल सकता है। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हमारे साथ है, भगवान राम का आशीर्वाद है और हमेशा सत्य के साथ है। तकी भाई कह रहे हैं कि हम सत्यम शिव सुंदरम, एक मिनट, तकी भाई कह रहे हैं कि हम तो अमरनाथ यात्रा करके आए, हम शिव के भक्त है, अभी बोल रहे हैं, जवाब दिया है उन्होंने। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुस्लिम भाई हमारे विरोधी हैं, हम ये नहीं कह रहे, हमने एक बार भी नहीं कहा। इसी देश में अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर अगर कोई बैठालता है तो भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी बैठालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर भेदभाव धर्म और जात के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कर रही होती तो अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत कभी भी राष्ट्रपति पद को संशोधित नहीं कर पाती। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हजारों हिंदुओं की पेंशन बंद कर दी, जरूर है आपने अपनी हिंदुओं की सरकारी नौकरियां ले ली, आपने एक आतंकवादी है, आपने लकड़े में डाल दिया हिंदुओं को, लेकिन आप तकी भाई सुन लीजिए, तकी भाई ये खराब बात है, तकी भाई ये बात सुन लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी को और एक राष्ट्रपति महोदय अब्दुल कलाम जैसे लोगों को बराबर श्रेणी में सिर्फ इसलिए रखेंगे कि बराबर का सम्मान हो क्योंकि मुसलमान है, तो ये नहीं चलेगा। जी चलेगा कर्म से, जी कर्म से जो महान है उसका सम्मान होगा, ठीक है, जो राष्ट्रभक्त है उसका सम्मान होगा, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ ये सोचिए जो मुसलमान है और सिर्फ उसका सम्मान हो कि वो मुस्लिम है, भले वो देश के लिए गद्दार हो, भले वो आतंकवादी हो, भले वो सिल्पी पार्टी हो, ये नहीं चलेगा। हमारे मुस्लिम इंजीनियर है, उनके साथ मत खड़े होइए, आतंकवादियों के साथ मत खड़े होइए, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, किसी जैन साहब जी आतंकवादियों के साथ कोई नहीं खड़ा है, ठीक है, हो गया। तकी भाई और मेहमान भी है, अंकुर भाई आप प्रवक्ता भी आरएलडी के और निश्चित रूप से आप अधिवक्ता भी है, तो सर अदालत के फैसले को बेहतर तरीके से आप मूल्यांकन भी करेंगे, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? निश्चित रूप से यहाँ पर फैसला सर्वोच्च है और आप सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है वहाँ पर जाए अपील करेंगे और बड़ा फैसला यहाँ पर मान सकते हैं क्योंकि लगातार इस मुद्दे पे राजनीति गर्म हो रही थी, क्या कहेंगे? आज जो फैसला दिया है वो एक प्रार्थना पत्र पर दिया है और वो प्रार्थना पत्र जिस पक्ष के द्वारा दिया गया वो हिंदू पक्ष है। पानरेवी कोर्ट में प्रार्थना पत्र देने के मैं उसको किसी भी धर्म संप्रदाय या जाति में नहीं कहता हूँ, मैं उसको केवल वादी और प्रतिवादी दो ही पार्ट में रख सकता हूँ। जी बिल्कुल, एक पक्ष जो ज्ञानवादी मसले पे कार्बन डेटिंग चाहता था उसने एक प्रार्थना पत्र दिया और उसमें जो फर्स्ट पार्टी थी आरती जी की उनके वो स्वयं ये नहीं चाहती थी कि इसकी कार्बन डेटिंग हो, उसका कोई भी रीजन हो सकता है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करता। जी जी जी, ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा उस कार्बन डेटिंग के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया और आप देखिए वो अभी लास्ट डेट लगी थी उसके बाद कोर्ट ने गहन विचार करने के लिए उस डेट पे कोई भी ऑर्डर ना देकर आज की तिथि निश्चित की थी ताकि वो थारोली उसका अध्ययन कर सके और गहन अध्ययन करने के साथ उस पर अपना एक ऑर्डर पास कर सके। आज जो आदेश आया है नो डाउट उससे कार्बन डेटिंग को का जो हिंदू पक्ष का या ज्ञान में जो गौरीशंकर पक्ष का दावा था उसमें केवल ये बात कही गई है कि इसकी कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए और निश्चित रूप से उनके पास आगे के लिए और भी रास्ते हैं जिसमें वो कहीं ना कहीं अपनी बात को रखेंगे और धीरे धीरे इस मंदिर के मुद्दे पर जब फाइनल जजमेंट आएगा ऑनरेबल कोर्ट का तो उन्हीं मेरिट के आधार पे आएगा ना कि एक प्रार्थना पत्र के आधार पे आएगा। अब जहां तक सवाल है इस सब्जेक्ट पे बात करने का कि क्या हिंदुओं का है वो ज्ञानवापी जो मंदिर का प्रकरण है या मुस्लिम का है या किसी राजनीतिक दल की सहभागिता है तो मैं इस बात से आज की डेट में सहमत नहीं हूँ क्योंकि वहां पे जो भी प्रकरण चल रहा है उसमें पार्टी तो लिमिटेड लोग हैं, ये बात अलग है कि लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है। साथ में आपके चैनल के माध्यम से एक बात और भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि या प्रवक्ता महोदय हो चाहे आपके हो चाहे मैं राष्ट्रीय लोकदल का हूँ, हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि कोर्ट का जो भी निर्णय आया है, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ कि कोर्ट का जो भी निर्णय आया है चाहे वो किसी के भी पक्ष में होता किसी के भी विरुद्ध होता, हम लोग एज अ अपने पॉलिटिकल लीडर और एक सामाजिक प्राणी के रूप में उस निर्णय का सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे और भविष्य में जो भी उस विषय पर
निर्णय ऑनरेबल कोर्ट का अंतिम निर्णय आएगा, उस निर्णय के को हम लोग उसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, चाहे वो किसी भी पक्ष विपक्ष के लिए जी। ठीक है अंकुर भाई। विकास भाई, महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर आया है और कार्बन डेटिंग नहीं की जाएगी, ये फिलहाल वहाँ की जो बनारस की जिला अदालत है उसका फैसला है। हिंदू पक्ष को जहाँ इस तरफ निराशा का माहौल है कि हाँ भाई यहाँ पर कार्बन डेटिंग होती तो फिर बेहतर होता, पर निश्चित रूप से यहाँ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो फैसला आया है वो ठीक आया है, और अगर हमारे देश के सामाजिक सौहार्द को कहीं से ठेस पहुँचती है तो इस तरह के फैसले आते रहना चाहिए, और न्यायपालिका अपने समय समय पर ऐसे विवेक से पूर्ण फैसले देती रहती है। कैसे देखते पूरे मुद्दे को आप? ऐसा नहीं है कि हिंदू पक्ष बड़ा इससे उदासीन है, बड़ा निराश है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए अभी तो प्रतिलिप आई नहीं है, लेकिन जितना भी हमने सुना है, जो भी हमने पढ़ा है, जो भी वहाँ पे बहस हुई या जो भी जजेस ने अपना निर्णय लिया, तो जो वक्तव्य उनका था अगर उसको पूरा आप सुने देखें जो था, तो उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि ये शिवलिंग नहीं है या ये फाउंटेन है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। देखिए केस क्या किया गया था, केस ये किया गया था कि श्रृंगार गौरी मंदिर की हमें नियमित पूजा करने को मिले, उसी के सापेक्ष में सर्वे कराया गया, सर्वे में शिवलिंग प्राप्त हुआ जिसको मुस्लिम पक्ष तथा कथित कहता है कि फाउंटेन है। अब जब इसके लिए ये याचिका दायर की गई कि शिवलिंग का कार्बन डेटिंग टेस्ट कराया जाए, तो मुस्लिम पक्ष उससे पहले सुप्रीम कोर्ट जा चुका था कि इसकी सुनवाई ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत भेज दिया था कि सुनवाई वहीं होगी, वहीं इसका निर्णय होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ में एक और चीज लिखी थी कि इसको सुरक्षित रखा जाए। अगर जिला न्यायालय ये कह देता कि इसकी कार्बन डेटिंग होगी तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना होती, इस वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो यहाँ पे उसका निर्णय नहीं दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा कि भाई इसकी कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कि उसका अवहेलना हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम अगर हमें आगे जाना है तो हम आगे जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ये कहीं से निर्णय नहीं हुआ कि वो शिवलिंग या फाउंटेन क्या है, ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ, और ना इस याचिका को खारिज कहा जा सकता है ना, इसलिए ऐसी कोई निराशा हमारे अंदर नहीं है। सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता, हम निश्चित तौर पर आगे जाएंगे, बड़े हजरत भैया बिल्कुल आगे जाएंगे। और दूसरी बात, अभी हमारे आपके प्रवक्ता साहब ने फिर से उसको जोड़ने का प्रयास किया, और तमाम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं, राजनीति से धर्म को जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो मैं बता दूं जब कभी भी आप लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को बना करके 24 का इलेक्शन, 30 का इलेक्शन, 28 का इलेक्शन जीतना चाहती, तो आप निश्चित तौर पर सीधा सीधा जनता पर आरोप लगाते हैं कि जनता इतनी बेवकूफ है कि इन मुद्दों पर ही उनको जिता देगी। ऐसा कुछ नहीं है, जनता जानती है कि हम उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उन आवश्यकताओं के आधार पर ही जिताती है। अगर नहीं जिताती तो यूपी में जिस समय विध्वंस हुआ, तो मैं कई बार इससे पहले भी कह चुका हूं, विध्वंस के बाद भाजपा कई समय तक जो है सत्ता से बाहर रही थी, ये यहाँ की जनता गई थी, इसके लिए आपको जनता की तारीफ करनी चाहिए, ना कि इस तरीके के आरोप लगाने चाहिए। जी ठीक है, किसी भाई अपनी बात पूरी करिए। देखिए गौरव जी, अभी विकास जी ने बहुत अच्छी बात कही जी, देखिए जो, और अंकुर जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि देखिए न्यायालय का जो निर्णय है वो कल को कुछ फैसला आवे, आज जो स्टेप बाय स्टेप फैसला आ रहे हैं, तो हमें न्यायालय के ऊपर कोई आरोप ना लगा करके अगर आप असंतुष्ट हैं तो हम हाईकोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब हम ये कहने लगे कि नहीं न्यायालय हमारे पक्ष में नहीं दे रहा है, न्यायालय कहीं ना कहीं भ्रमित है, कहीं ना कहीं पक्ष ले रहा है न्यायालय, ऐसी बातें पहले हुई, जब सर्वे के आदेश हुआ तभी से तमाम बातें हुई। तो कुल मिलाकर के न्यायालय का जो आदेश है, न्यायालय का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। फिर भी अगर आपको आपत्ति है, हमें आपत्ति है, तो हम उसके लिए उससे उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटा सकते हैं, वहां से असंतुष्ट है उससे भी ज्यादा उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटा सकते हैं। और मुख्य बात यह है कि कोई भी न्यायालय हो सकता है कि वो स्वयं उस आस्था को रखता हो सकता है कि मामला किसी ऐसी बेंच पे जाए हाई कोर्ट में जिसके न्यायाधीश कोई मुस्लिम स्कॉलर हो, लेकिन उसके बाद में भी चूंकि वो न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं तो अपना व्यक्तिगत मत वहां पे नहीं देंगे। वो क्या मत देंगे, जो वहां पर उनके साथ में एविडेंस होंगे, उनके पास जो एविडेंस होंगे, एविडेंस के आधार पर वो निर्णय देंगे। अभी अंकुर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कहां पर क्या है क्या नहीं है, आस्था क्या, इससे मतलब ही होता है न्यायालय को, न्यायालय को मतलब ही होता है कि मेरिट क्या कह रही है और एविडेंसेस क्या है, एविडेंसेस और मेरिट के आधार पर न्यायालय का निर्णय आना है। और हमने अपने पहले शब्द में कहा गौरव जी यही बात कि जो है जो न्यायालय का निर्णय है उसका हम लोग सम्मान करते हैं, और न्यायालय की शरण में हम लोग इसीलिए गए, हम लोग कोई हमला नहीं कर रहे, हम लोग कोई जबरन वहां पर ये नहीं कि
जो है वहां पे 1000 हिंदू पहुंच गया जबरन मस्जिद के अंदर, मंदिर के अंदर घुस करके प्रेम श्रृंगार गौरी का हाथ पूजन करेंगे। वहां पे कोई घेराबंदी नहीं हुई, कोई हो हल्ला नहीं हुआ, कोई आंदोलन उस तरीके का नहीं हुआ। क्या हुआ कि चार महिलाओं ने माननीय न्यायालय के समक्ष में अपना अपना एक पक्ष रखा कि हमें आदेश दिया जाए कि हम उसकी पूजा अर्चना कर सके। लेकिन उसको लेकर के जब विवाद शुरू हुआ तो तमाम सारी चीजें उसमें और आई, उसमें एक स्टेप और जुड़ गया कि वास्तव में ये मस्जिद है कि पुरानी मंदिर है और क्या चीजें हैं, क्योंकि एक चीज सामने विद्यमान है, सामने एविडेंसेज है, और उसी के आधार पर न्यायालय ने सर्वे का आदेश दिया। और सर्वे में तमाम सारी चीजें ऐसी स्पष्ट होकर के आ चुकी है जो कहीं ना कहीं ये जरूर बताती है कि वो प्राचीन काल में एक भव्य मंदिर था। लेकिन हम ये नहीं कह रहे आदेश हो गया, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हाँ जो एविडेंसेज है कमल के फूल का मिलना, ओम का चिन्ह कहीं पर भी मुस्लिम धर्म में स्वीकार नहीं है, शिवलिंग कहीं पर भी मुस्लिम धर्म में स्वीकार नहीं है, कमलासन कहीं पर भी मुस्लिम धर्म में स्वीकार नहीं है, त्रिशूल कहीं पर भी मुस्लिम धर्म में स्वीकार नहीं है। ये सारी चीजें अगर वहां की बाउंड्रीज पे, वहां के जो शिला पट है वहां पर, तो ये सारी चीजें मिल रही तो कहीं ना कहीं चीजें बता रही है। लेकिन फिर भी और जो एविडेंसेज है, दूसरे जो एविडेंसेज है, उनको भी नकारा नहीं जा सकता है। अगर मुस्लिम पक्षकार ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे हमारे पक्ष में ये चीजें दिखाई दे रही है, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रख करके कल को निर्णय होगा। लेकिन रही बात आज की कार्बन डेटिंग की, तो अभी अंकुर जी ने पूरा स्पष्ट किया और विकास जी ने भी स्पष्ट किया, हमने भी पहले स्टेट में वही चीज कही कि न्यायालय ने जो निर्णय दिया है इसलिए उसको दिया है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो भी चीजें वहां पर उपलब्ध हुई, जो भी चीजें मिली है, मैं बार बार जो भी चीजें क्यों नाम ले रहा हूं, क्योंकि किसी को यह ना लगे कि आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, वो शिवलिंग है, वो शिवलिंग है या फवारा है या जो भी है, आप हमारी आस्था के अनुसार तो वो शिवलिंग है, लेकिन आप नहीं मान रहे तो न्यायालय के अभी निर्णय के अधीन है वो, तो ऐसे में जो भी चीज वहां मिली है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी न्यायपालिका की और सरकार की है, तो ऐसे में न्यायपालिका ने आदेश दे रखा है कि नहीं उसको सुरक्षित किया जाए, तो ऐसे में उसकी कार्बन डेटिंग के लिए पार्ट कैसे लिया जा सकता है, नहीं लिया सकता है। इसी का हवाला दे करके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने आदेश दिया है कि इसकी कार्बन डेटिंग यहाँ से आदेश से नहीं हो सकती है। और ये भी बात विकास जी ने सही कही कि ऐसा भी नहीं कहा है कि नहीं ये शिवलिंग नहीं है, और ऐसा भी नहीं कहा है कि आप उसी उच्च अदालत में नहीं जा सकते, तो अभी रास्ते खुले हुए हैं और जो हिंदू पक्षकार है वो आगे जाकर के अपील कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वहां पर भी हो सकता है मनाही हो जाए, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े या वहां से आदेश हो जाए, जो भी निर्णय हो उसको दोनों पक्षकारों को मानना चाहिए, क्योंकि जब इस पर निर्णय आता है कि नहीं कार्बन डेटिंग नहीं होगी तो मुस्लिम पक्षकार बड़ा इसका जस्ट बनाते कि नहीं बहुत अच्छा निर्णय आया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम लोग इसका पहले विरोध कर रहे थे न्यायालय ने भी, तो कल को अगर आ जाए निर्णय तो जिस प्रकार से हिंदू पक्षकारों ने इस निर्णय को स्वीकारा वैसे ही मुस्लिम पक्षकारों को उस निर्णय को भी स्वीकार करना चाहिए। हाँ तो बनी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तकी भाई अपनी बात पूरी करिए। देखिए मैं केसी जैन साहब की मेमोरी थोड़ी शॉर्ट है, उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तब पर ही मुसलमानों ने हाय तौबा नहीं मचाई थी और पूरे सब लोगों ने उस फैसले को एक्सेप्ट किया था, और उसमें जो उन्होंने चार फैसले बताए थे उस चार फैसलों के तीन फैसले केसी साहब जैन साहब पढ़ने अच्छे से और फिर उसके बदले में जमीन दी गई है, तो इस फैसले को पढ़े मुसलमानों के भी हाय तौबा नहीं हमें चाहिए, ये हिंदू मुसलमान का मामला ही नहीं है। अच्छा। और इसके अंदर एक एक पक्ष जो था मुसलमान आपकी आपकी बात बोलता नहीं है, अब मैं आपको बोलने नहीं बोलूंगा, मैं आपको केसी जैन साहब जी आप प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं करते, बोलने लगते हैं आप अज्ञानता की बातें करते हैं, आपको ज्ञान है नहीं, गौ मामला ज्ञान अभी मदद का है, आप उसके बारे में ज्ञान नहीं है, तौबा हुई नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी बना रही है और भारतीय जनता पार्टी के जैसे जो दो चार उत्थान जो संघ है वो बता रहे हैं मुसलमानों ने तो बदलना चाहिए, मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद के फैसले को सुन लिया और ये फैसला जो आया मुसलमानों के फेवर का फैसला नहीं है, ये मुस्लिम पक्ष के फेवर का फैसला नहीं, इसमें हिंदू पक्ष ने भी कहा था कि उसकी कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, ये अरे आप आतंकवाद में चले जाते हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं क्या आपके पास, सबसे ज्यादा तो आप लोगों ने बनाया हुआ आतंकवाद देश के अंदर, परेशान तो लोगों को आप कर रहे हैं,
कितने लोग आतंकवाद देने में उतने लोग भुखमरी सब के भारत के अंदर, कोरोना मार के भारत के अंदर, आज एक्सीडेंट में लोग मरते हैं, सबसे ज्यादा बड़ा आतंकवाद तो आप फैलाए हुए देश के अंदर जिसमें लोग रोज मर रहे हैं जाने जा रही लोगों की, उसकी बात नहीं करते आप। गरीबी से बड़ा आतंकवाद क्या होगा, झूठ से बड़ा आतंकवाद क्या होगा, सड़क गड्ढे में भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी लखनऊ के अंदर 150 लोग रोज रोड एक्सीडेंट में मरे जा रहे हैं, आपको परवाह नहीं है। आपको हिंदुओं की अगर सुरक्षा होती, परवाह होती, आप सड़कें अच्छी बनाते, आप स्कूल अच्छे बनाते, आप अस्पताल अच्छे बनाते, उनकी पुरानी पेंशन बहाल करते, सरकारी नौकरियां निकालते, महिलाओं का सम्मान करते, उनको उनकी गरिमा को बढ़ाते, रुपए का सम्मान करते, रुपया दिखाना गिरता, आपको हिंदुओं को सिर्फ बेवकूफ बनाना है धर्म के नाम पे, ठगना उनको धर्म के नाम पे, ठगी का धंधा चलना लगातार समाज को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ठगने काम किया है। अच्छा। मैं इसके अंदर कह रहा हूँ, उसके अंदर एक एक हिंदू उसने कार्बन के लिए बना भी किया था जी, अभी नहीं नहीं पार्टियां इसने बहुत कुत्ते दिया हिंदुओं को, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष का, ये तो हम कह रहे हैं आप पिला रहे हैं आप हिंदुओं को, जो भी होगा समान, मैं तो कह रहा हूं मुसलमानों को तरफ पिला रहे हैं मुसलमानों करके, प्रत्यक्ष को प्रमाण आप तो मुसलमानों के प्रेरणा स्रोत है, शराब पीजिए, प्रकट हुए थे चूली पर बैठा था 18 साल के बच्चों को शराब पिला रहे हैं, चूली के दर्शन करते बच्चों को भी शराब पिला रहे हैं, और केजरीवाल जी तो बच्चों को शराब पिला रहे हैं, ये जो वहां पे प्रकट हुआ है और जो स्थापित करेगा वहां पे तो कैसे बदल देंगे, वही है जिसको आप स्थापित कर रहे हैं भाई, अगर जो वहाँ पे भगवान शिव प्रकट हुए थे, भगवान शिवलिंग मिला था, तो आपको जनता को दिखाना चाहिए था कि भाई ये भगवान शिव प्रकट हुए हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ, हमारा काम नहीं है लिया, अब वहाँ जो नहीं करते हैं ये आप लोग करते हैं, आ गया ये दिखावे की राजनीति केजरीवाल जी करते हैं, कैसे लोग समझेंगे भगवान शिव, केजरीवाल जी ड्रामेबाजी करते हैं, ये दिखावे की राजनीति केजरीवाल जी करते हैं, यहाँ तो ठगी की राजनीति कर रहे हैं, देश को फोड़ा कर दिया आपने दीमक की तरह, भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, ये न्यायालय का काम है, विदेशी मुद्रा भंडार पालन कराना कभी नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी की हमारा विदेशी भंडार कम होता है, कर्जा ज्यादा हो गया, जा रहा है डीजल का 200 रुपए लीटर होने वाला है, भारत की व्यवस्था चौपट कर दी आपने, उस पर आप बात नहीं करते, जब भी धार्मिक मामले आते हैं तो कभी ज्ञान वापी के बाद होना ही होना है, हिजाब के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी रोहिंग्या के नाम पे, कभी कानपुर में दंगा, अरे ये मुकदमा क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया है क्या, बहाने चाहिए छुपने के लिए, मुकदमा भारतीय जनता पार्टी ने किया है क्या, अपनी को छुपाने के लिए, केजरीवाल जी ने किया है, बीजेपी को अपने नाम का केजरीवाल जी ने किया है, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये है सबसे ज्यादा तुम्हें ऐसा ही रहा है कि मुकदमा जो है भाजपा आम आदमी पार्टी के बीच में है क्या, अंकुर भाई सबसे ज्यादा अंकुर भाई हेट करने वाली हिंदुओं की पार्टी, हो गया तकी भाई, तकी भाई हो गया, तकी भाई, अरे वो लगातार बोल रहे हैं, बोलिए तकी भाई हो गया, अंकुर भाई क्या लगता है ये मामला क्या हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की जगह क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच में है क्या, जो यहाँ पर चर्चा हम देख रहे हैं जी, जैसा कि मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि ये मुकदमा हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में वास्तव में है ही नहीं जी, बिल्कुल इसको तो जैसे आपकी डिबेट में बैठे हुए हैं ना भारतीय जनता पार्टी ना, देखिए बात पूरी सुनिए, मैंने तो खामोशी से आप लोगों को सुना है, आप बात सुनेंगे तो डिबेट का माहौल बना रहे हैं, बिल्कुल बोलिए, क्योंकि जिन लोगों ने मुकदमा किया है उनने ये तो नहीं कहा है ना कि इसमें जो भी मुकदमे की पार्टी बनी है कि सर्व समाज हिंदुओं के पूरी तरफ से या जो भी मुस्लिम की तरफ से, भाई आपकी तरफ से भी कुछ लोग पार्टी बने, वो चाहे आपकी कमेटीज के तरफ से रहो और चाहे वो ज्ञानवापी श्रृंगार के लिए जो लोग गए चाहे उनकी तरफ से रहो, तो इसको हिंदू और मुस्लिम का स्वरूप ना दिया जाए, एक बात। दूसरी बात, अभी इसी डिबेट में लगातार आपके प्रवक्ता महोदय एक बात कह रहे हैं कि भाई जब वो निकला था मैं उसको कहता हूँ कि जिसको हिंदू पक्ष कह रहा है या जो श्रृंगार गौरी का प्रचार करना चाहते हैं वो कह रहे हैं कि ये शिवलिंग है और अपोजिट पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि ये फुब्बारा है, तो आपने क्यों नहीं उसको रख दिया और उसकी पूजा का अवसर दिया, मेरे भाई अगर वो रख दिया जाता और उसको पूजा का अवसर दिया जाता या आम जनमानस को दिखाया जाता तो उसकी मतलब आपकी तरफ से ये मुद्दा उठाया जाता है जो चीज निकला कब्जा कर लिया, बार मौका मिलेगा, देखिए अगर उसको इमीडिएट वहीं पर रख दिया जाता और उसमें आम जनमानस को दर्शन कराने लगा जाता या उसका पूजा सत्कार किया जाने लगता तो फिर कोर्ट और कानून की क्या व्यवस्था रह गई,
अगर हमको व्यवस्था के विरुद्ध जाकर किसी को कुछ करना था तो फिर तो सब कुछ बेकार है ना। लेकिन नहीं, व्यवस्था के अनुरूप कोई चीज निकली है तो उसपे ऑनरेबल कोर्ट से एक पिटीशन किया गया, एक केस किया गया, और ऑनरेबल कोर्ट के पास जब पावर है, जब कोर्ट कोई जजमेंट देगी तो उसका सम्मान चाहे कोई भी वर्ग का हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, उनके ऊपर मैंडेटरी होगा और वो उसको फॉलो करेंगे। जब कोर्ट में पेंडिंग है मामला तो उस विषय पर ये चिल्लाना कि ये इसकी पूजा क्यों नहीं की गई, या अपने को बड़ा हिंदू साबित करना, या अपने को भोले शंकर का बड़ा भक्त साबित करना, ये मायने नहीं रखता। मायने आज की डेट में रखता है माननीय न्यायालय का निर्णय, और वो भी अंतरिम निर्णय नहीं, अंतिम निर्णय, जो फाइनल जजमेंट होता है उस पे सब कुछ निर्भर करेगा। और इस तरीके की एप्लीकेशन, तभी केस के बीच में सैकड़ों एप्लीकेशन लगेंगी, तो उसपे बहुत वाद या विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जीत हार का प्रश्न नहीं, ये प्रार्थना पत्र खारिज हुआ है, सिंपल प्रार्थना पत्र है, और उसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट भी इंटरफियर करे मुझे ऐसी संभावना नहीं लगती है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना 16 मई का आदेश है उसमें उल्लेख किया था। इसलिए आप निश्चित मान के चलिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक रिवीजन प्रार्थना पत्र डाला जाएगा, उसी के आधार पर प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है, विकास भाई कुछ कहना चाह रहे थे। जी जैसा अभी मैं रालोद का प्रवक्ता अंकुर भाई कह ही रहा था, उसको कहने प्रयास किया, ताकि भाई इससे पहले भी अपने वक्त बोले थे, अभी फिर बोले कि अगर वहाँ पे शिवलिंग मिला था तो लोगों को दर्शन करने देना चाहिए था। एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और एक अच्छी पार्टी, क्योंकि आप जहाँ पे भी बढ़िया कार्य कर रहे हैं, भाई जनता आपको पसंद कर रही, तो ऐसे प्रवक्ता के मुँह से इस तरीके की बातें शोभा इसलिए नहीं देती हैं क्योंकि अगर इस तरीके से वहाँ पे शिवलिंग को प्रदर्शित कर दिया जाता और आम आदमी वहाँ पर दर्शन करने लगता तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे कोई बवाल नहीं खड़ा होता? जी। आपको नहीं लगता विवाद खड़ा हो जाता? जी। तब आपके पक्ष के कुछ लोग भी खड़े हो जाते और एक देश का माहौल बिगड़ जाता। जी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जिला अदालत जो भी फैसला लेती है कुछ सोच समझ के लेती है। जी। तो उन्होंने वो फैसला लिया, बड़ा उचित फैसला लिया, हमने तब भी उसका सम्मान किया था, आज भी उसका सम्मान करते हैं कि सनातन धर्म बड़ा शालीन धर्म है। आज आप देख लीजिए, आप जैसा भी अभी कहा जा रहा है मीडिया के द्वारा या लोग कह रहे हैं कि भाई सनातन के अगेंस्ट या हिंदू के अगेंस्ट आया निर्णय, हम ऐसा कुछ नहीं मानते, हम बिल्कुल सही मानते हैं। हमारे न्यायपालिका ने अगर निर्णय दिया है, सम्माननीय है, सर्वोच्च है, वो बड़ा सोच समझ के निर्णय देती है। दूसरा, जब हम अपने देश के नेताओं को इस तरीके से लड़ते देखते हैं, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के, किसी पार्टी को, जब इस तरीके से लड़ते देखते हैं, किसी धार्मिक मुद्दे पे उस राजनीतिक मुद्दे बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के अंदर एक भूख नजर आती है राजनीति की। राजनीति के अंदर से बाहर आ जाइए, जब धार्मिक मुद्दों पर बात करिए तो धार्मिक तरीके से बात करिए, राजनीति से अलग हो जाइए, क्योंकि राजनीति को अगर उसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये देश के लिए बड़े भयावह स्थिति होगी, और आप लोग बड़े जिम्मेदार लोग हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखें। देखिए, मैं बात कहना चाहता हूँ कि बहुत दिन से मुद्दा उठ रहा था। आपकी बात दोनों लोगों ने काटी है, अंकुर भाई ने भी कहा है कि देखिए मैंने नहीं, इन्होंने समर्थन किया मेरी बात का, जब मैंने पहले कहा था कि इसको हिंदू मुसलमान करके नहीं देना चाहिए, ना हिंदू पक्ष के इस फैसला आया है, ना मुस्लिम पक्ष के पक्ष से फैसला आया है, क्योंकि एक हिंदू पक्ष कह रहा था उसकी कार्बन डेटिंग ना कराई जाए, उससे पहले जो फैसला आया है गौरी शंकर के लिए, उसके लिए दर्शन के लिए, पूजा के लिए, वो फैसला भी आया था। तो हर बार हम ये कहेंगे ये हिंदू पक्ष के फैसला विरोध में आया, ये साथ में आया है। अच्छा। एक तरफ तो आप कह रहे हैं अदालत का सम्मान करिए, भाई अदालत का सम्मान जो भी जो फैसला आया है उसको हिंदू पक्ष में और मुस्लिम पक्ष के क्या देखना, ये पहला आकलन ही गलत है। ये दूसरी बात ये है कि हम लोग सबको अपने न्यायालय पे विश्वास है, मैं भी इनसे बार बार कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद का फैसला आया किसी ने विरोध परेशान नहीं किया था, तो हम ये चाहना चाहते हैं। कही गई थी, अपील करने की बात कही गई, अपील करने की बात की, लेकिन उसके बाद उसके किसी ने कुछ कहा नहीं। दो दो चार लोगों के बयान को उसको पूरे मुसलमान समुदाय से नहीं जुड़ना चाहिए, मुसलमान समुदाय बहुत शांतिपूर्ण। आपको यहाँ रात होगा, जिस रात एक रात पहले फैसला आना था, सुनिए जिस दिन फैसला आना था उससे एक रात पहले रातों रात सब्जियां सामान बिक गया था, लोगों को लगा था कि ऐसा ना दंगा ना हो जाए, राइड ना हो जाए, और लोगों ने सामान खरीद लिया था, पुलिस लग गई थी। लेकिन उस दिन जिस दिन फैसला आया, समान रूप से सड़कें चल रही थी, लोग काम कर रहे थे, और कहीं पूरे देश में कहीं से भी इसके ऐसी कोई छुटपुट घटना आने का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ, और ये सब लोगों ने स्वीकारा है। इनको समझना चाहिए हायतुबा कौन बचा रहे हैं, हायतुबा बचा रहे हैं, हायतुबा कौन है? मैं सिंपल बात कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर भगवान शिव वहां से, मैं शिव भक्त हूँ और भगवान शिव ज्ञान व्यापी मंदिर से प्रकट हुए, तो मुझे भी अधिकार है उनके दर्शन करने का, मैं भी उनको देखना चाह रहा था। कई साल, सौ साल से भगवान शिव वहां पे है, हम चाह रहे थे कि वहां हमारे दर्शन, हम देख फोटो खींच के देख लेते, तो फिर जिसने फोटो खींचा या जहां से फोटो लीक हुआ उस वकील के खिलाफ जो लोगों ने परेशानी की उत्पन्न करी, जो उसको ऊपर फायर लिखने की बात करी गई, तो ये आप, हम तो कह रहे दर्शन कराए थे, और कल को भगवान ना करे ऐसा ना हो
कि जो हम जो वहां स्थापित किया जाए भगवान शिव को, तो हम कैसे समझेंगे भाई वही भगवान शिव जो वहां से प्राप्त हुए, ये भी समझना चाहिए हमें। तो इस सब बातों हमें सम्मान है भगवान शिव का बहुत ज्यादा, और भगवान शिव ज्यादा हमें सम्मान है भगवान शिव के भक्तों का, उनके लिए लगातार उपासना रखते हैं, उनके लिए पूजा पाठ करते हैं, तो उनके हितों की रक्षा कर। भगवान शिव भी कहते हैं कि भाई पहले नंदी भगवान बाहर है उनके दर्शन करके आओ, पहले हमारे भगवान को हमारे जो भक्त है उनको सम्मान करो फिर मेरे पास आओ। भगवान शिव नहीं करते, भगवान और नाम दिखा है भक्तों को सम्मान करो हमारे भी हमारे पास आओ। तो भाई भक्तों का सम्मान की बात करते हैं, भक्तों की नौकरियों की बात कर लिए, भक्तों के रुपया गिर रहा है उसकी बात कर लिए, कल गोमती में दो लोग छरा लगा गए कूद गए उसकी बात कर लीजिए, बीजेपी वाले भेज गया नहीं, जो परिस्थितियां ऐसी बन रही है देश के अंदर, परिस्थितियां ऐसी बनी देश के अंदर कि लगातार गोमती में छरा लगाते आप भेजते क्या? अरे मैं कह रहा हूँ परिस्थितियां देखिए, हिटलर ने कहा था सुनिए, अरे मेरी बात खत्म नहीं हुई, सवाल उससे पूछा है, सवाल उससे पूछा बोल आप रहे हैं, सवाल उनसे पूछा है, कह रहे हैं जैन साहब, ये कह रहे हैं इस प्रकार से बार बार कह रहे हैं कि जो है मुस्लिम पक्षकार बहुत शांतिपूर्ण है, हम ये नहीं कह रहे कि अशांतिपूर्ण है, अगर हमने एक अपील की कि जिस प्रकार से हिंदुओं के एक तरीके से जो अपील उन्होंने की उसको खारिज किया न्यायालय ने, उसको अस्वीकार किया एक तरीके से, उनके विरोध में अगर कोई निर्णय है भले ही अंतरिम निर्णय है, अंतरिम निर्णय नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हिंदू पक्ष ने बिल्कुल शांति बनाए रखी, और इस प्रकार से अगर कल को ये आदेश हो जाए कि नहीं कार्बन डेटिंग होनी हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, तब भी ऐसी स्थिति रहनी चाहिए, शांतिपूर्ण स्थिति तब भी ऐसी रहनी चाहिए। फिर दूसरी बात क्या है कि हिंदुओं के लिए आस्था का विषय है, मुसलमानों के लिए इसलिए आस्था का विषय नहीं है क्योंकि वो एक फाउंटेन है उनके लिए। अच्छा, तो अगर फाउंटेन की कार्बन डेटिंग होती है तो उनको आपत्ति क्या है, और अगर कार्बन डेटिंग के विपक्ष में फैसला आया तो इसको बहुत अच्छा निर्णय है, वो क्यों बता रहे हैं कि नहीं कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छा निर्णय आया तो क्यों बता रहे हैं? तो उनकी आस्था का विषय तो है नहीं, वो तो उनके लिए तो फवारा है ना। अगर एक फाउंटेन का कार्बन डेटिंग हुआ तो उनको क्या आपत्ति है? वो कह रहे बहुत अच्छा निर्णय आया, बिल्कुल कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, किस बात का उनको डर है? जिस बात का डर मुस्लिम पक्षकारों को इस समय सर्वे हो रहा था, सर्वे के समय 100-100 लोग 200-200 लोग पहुंच गए और वहां नारेबाजी की और सर्वे नहीं करने दिया, आगे में फोर्स लगा करके पीएससी लगा करके वहां पर सर्वे हुआ, उसी प्रकार से ये जो कल को कोई माहौल खराब ना हो इसके करिए। दूसरी बात, ये तन सर तन से जुदा के नारे कौन लोग लगाते हैं? कौन लोग एक प्रवक्ता के बयान के आधार पर एक उसके समर्थन करने वाले की जाके गर्दन काट देते हैं, एक टेलर की, एक सिलाई कर्मी की? तो कौन कितना शांतिप्रिय है, कौन कितना शांतिप्रिय नहीं है, ये तो जनता देख रही है, हम इस पे नहीं जा रहे। लेकिन हमने एक अपील जरूर की कि न्यायालय का कोई भी निर्णय आए दोनों पक्षकार शांति बनाए रखे, इसमें आपत्ति किस बात की? शिव जी पे तो सभी अनन्य भक्त हैं और शिव जी की कृपा भी सभी लोगों पे पड़ी रहती है, और शिव जी का जो आशीर्वाद है वो कहते नहीं है सुर असुर नर नारी जीव और सजीव निर्जीव सब पे भोलेनाथ की कृपा रहती है। और मैं तकी भाई की बात से सहमत हूँ कि तकी भाई ये चाहते हैं कि शिव जी अगर हो तो उनका पूजा पाठ होना चाहिए, तो हो सकता है तकी भाई की बात आगे चलकर सही साबित नहीं होगी। अच्छा। और हम और तकी भाई और आप सब लोग साथ में चल के वहां दर्शन करेंगे, क्योंकि तकी भाई जो है वो भी न्यायालय का निर्णय मानने को बाध्य होंगे, हम लोग भी न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि और शिरोधार्य मानते हैं, और निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि माननीय न्यायालय में जो भी मामला पेंडिंग है मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में हमको उस पर टिप्पणी करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वास्तविक टिप्पणी या वास्तविक आकलन जो हम लोगों का होना चाहिए वो आकलन अंतिम निर्णय के बाद में हम लोग कर सकते हैं, और अंतिम निर्णय के बाद भी अभी आपको क्या लग रहा है कि ये जो ज्ञानवापी मंदिर का प्रकरण है ये आपका क्या कहते हैं इमीडिएट निपट जाएगा? अभी इस पे ऑनरेबल हाईकोर्ट जाएगा, अभी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसका जजमेंट देगा फाइनल तब होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई से इनकार कर दिया और जो मूल कोर्ट है उस पेरेंटल कोर्ट में जाने के लिए कह दिया था, तो पेरेंटल कोर्ट उस पर अपनी सुनवाई कर रही है और फाइनल जजमेंट दे रही।
पेरेंटल कोर्ट के जजमेंट के बाद अनरेबल हाई कोर्ट में अपील हो सकती है उसकी, और अनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकती है। अंतरिम आदेश है, आपने एक एप्लीकेशन पे एक कोर्ट ने निर्णय दिया है, ना कि किसी अपील पे निर्णय दिया है या ना कि मूल बात पे आपके निर्णय दिया है। तो ऐसी स्थिति में अभी मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे सचिव जी हो, चाहे जैन साहब हो, चाहे मैं हूँ, हम लोगों को माननीय न्यायालय के इस निर्णय पर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि वो निर्णय हिंदुओं के पक्ष में है कि मुस्लिम्स के पक्ष में। हम लोगों को केवल इस बात पे डिस्कशन करना चाहिए या हम लोगों को ये चर्चा करनी चाहिए कि अब आगे हम लोग इस निर्णय के विरुद्ध में या इस निर्णय के फेवर में या डिसफेवर में दोनों पक्षकारों के क्या स्टेप हो सकते हैं। भाई अगर मान लीजिए जो प्रथम पक्ष है जिसने एप्लीकेशन दिया था वो सहमत नहीं है तो निश्चित रूप से वो उसका रिवीजन फाइल करेगा, और जो द्वितीय पक्ष है अगर वो उसके फेवर में आया है तो वो रिवीजन को अपोज करेगा। तो इसमें हिंदू और मुस्लिम पक्ष को लाने की आवश्यकता नहीं है, दो पार्टियों के बीच का विवाद है, धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है और वो आस्था के आधार पे आदमी कोई भी टिप्पणी कर रहा है तो वो टिप्पणी भी न्यायालय के आदेश के अनुसरण में हो तो वो ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है, ठीक ठीक है मंगल भाई। अभी जैसा अंकुर जी कह रहे थे कि अगर हिंदू पक्ष को ये निर्णय नहीं अच्छा लगता है तो उसके विरोध में, देखिए सनातन संस्कृति कभी न्यायपालिका या देश के विरोध में कुछ नहीं करती, उसके सापेक्ष में जा सकते हैं हम, तो थोड़ा सा इसको शब्द का करेक्शन। देखिए आप उसको मिस, अंकुर जी सुन लीजिए, नहीं चूंकि आपने अंकुर जी आपने शब्दों की बात करी थी, सुन लीजिए आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात, अरे सुन तो लीजिए भैया, आप बहुत अच्छी बात कह रहे थे इसलिए हम कह रहे हैं, जब आपने सारी अच्छी बात करी तो एक थोड़ी सी त्रुटि थी उसको हमने सुधारा, आपकी बात को काटने का प्रयास नहीं किया। सुन लीजिए नहीं विरोध विरोध देखिए विरोध हम नहीं करते, विरोध हम किसी चीज का नहीं करते, हम केवल उसी सापेक्ष में जाएंगे, ये भी एक शब्द है हमारे ख्याल से भी सही है। दूसरा जो अभी तकी साहब पहले भी कहे अभी फिर कहे कि भाई आप शिव भक्त हैं और शिव जी का दर्शन करना चाहिए था और ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी सोच है, अगर यही सोच सभी की होती तो महोदय हमें न्यायपालिका जाना नहीं पड़ता, शायद ये निर्णय बाहर ही हो गया होता। लेकिन ये तकी साहब भी कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा आपको, एक सेकंड पहले बात सुन लीजिएगा फिर आप बोलिएगा, पहले पूरी बात सुन, बड़ी अच्छा बोलेंगे उसके बाद। ये आपको कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा कि समाज में अकेले आप ही नहीं है और भी लोग हैं, और ये भी कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हर एक समय देश में माहौल खराब करना चाहते हैं, वो आपके यहाँ भी होते हैं हमारे यहाँ भी होते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि पूर्व में होता रहा कुछ निर्णय आए, जैसे इसी के लिए भी हम कहते हैं जब इसके लिए सर्वे का माहौल बना था, सर्वे का पहला आदेश हुआ तो सर्वे करने नहीं दिया गया था, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी, तो वो भी हमारे ख्याल से मुस्लिम लोग ही थे, तो तकी साहब इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि ऐसा होता है, है ना। और रही बात हमारे आपके भाई की, शिव जी के आप भी भक्त हैं, हम भी भक्त हैं, साथ में दर्शन करेंगे, चलिए अभी रामलला बन रहा है वहाँ पे भी चलेंगे, और ऊपर वाले ने चाहा और सब कुछ सही रहा और यहाँ पे भी भोलेनाथ का मंदिर बना, तो ये निश्चित तौर पर जाइए, पहली बार जब दर्शन करने जाएंगे तकी साहब को जरूर लेके जाएंगे। अच्छा ठीक है। ऋतुराज मिश्रा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अमरनाथ यात्रा भी कर चुका हूँ, काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन भी करके आया हूँ, मेरठ में अमरनाथ भी हो आया हूँ, और शंकराचार्य श्रीनगर में वहाँ भी दर्शन करके आया हूँ, और मैंने कई शिवलिंगों के दर्शन किए, कुछ का नाम मुझे याद नहीं है, और मैं अजमेर शरीफ भी होकर आया हूँ, हाजी अली भी होकर आया हूँ, गुरुद्वारे भी गया हूँ, गुरुद्वारों में मैंने शीश नवाए हैं, और मैं कई जो है चर्च में भी होकर आया हूँ, तो मैं सबका आशीर्वाद लेके आता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, सबने मुझे आशीर्वाद दिया, नवाजा सबने, और सबका धन्यवाद देता हूँ, और मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं ऐसे देश में मैंने जन्म लिया है जिस देश में सभी मान्यताओं को सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, यही काशी थी जहाँ बिस्मिल्लाह अली खां बैठ के शहनाई बजाया करते थे, इसी देश के अंदर सबसे अच्छे अच्छे संगीतकार जो है नौशाद साहब, उन्होंने भजनों के लिए गजन के लिए म्यूजिक दिया है, इसी देश में शकील बदायूं ने सबसे बड़े अच्छे अच्छे जो है वो जो प्रार्थना सब होती हैं, मंत्र होते हैं, वो गीत उन्होंने लिखे हैं भगवान की शान के अंदर, तो ये देश सबको साथ में लेके चलने वाला है, और विवाद कहीं नहीं था, पिछले कई सौ साल से लगातार वहां पे पूजा भी हो रही थी, नमाज भी हो रही थी, और अभी भी अगर एक आध मंदिर और मस्जिद आगे पीछे चला जाएगा तो वही प्रार्थना ही होंगी, पूजा होंगी, और वहां अजाने भी होंगी। मैं जहां रहता हूँ मेरे घर के बगल में दो मस्जिदें, जब मैं मोड़ पे जाता हूँ कोनेश्वर चौराहा है भगवान के, वहाँ भजन होते रहते हैं, वहाँ घंटा बजा करता है, तो मुंह जोड़ के रहते हैं या मंदिरों मस्जिद, मेरे शहर में कोई फकर हिंदू या मुसलमान नहीं होता जी। हर इंसान के अंदर थोड़ा मुसलमान भी है, हर इंसान के अंदर हिंदू भी है, हर इंसान के अंदर सिख भी है, कोई आदमी यहाँ पूर्ण रूप से जो है नहीं, क्योंकि ये हमारी भारत की अभिन्न संस्कृति है जो सनातन धर्म को भी सम्मान करती है, जो सबका सम्मान करती है, और हिंदू धर्म और सनातन धर्म और मुसलमान जो है एक ही, हालांकि मैं
मुसलमान होने के नाते नहीं बोला था। अभी जो मेरे बयान सारे बयान है वो एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते थे। आप लोगों ने मेरा नाम देख के शायद उसको गलत रिलेट कर दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सनातन धर्म भी वही है जो इस्लाम सिखाता है। सनातन धर्म भी कहता है ओम शांति, कहता नहीं सर ओम शांति कहते हैं आप, इस्लाम का मतलब भी शांति है, इस्लाम का मतलब शांत रहना। सनातन धर्म भी कहता है एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति नास्ति, नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्म दूसरा कोई नहीं है। सनातन धर्म के बैठे हैं, गलत बोला सर मैंने। इस्लाम भी कहता है कुलवुल्ला अहद अल्लाह समद लम जरिद वलम जुलद वकल्लु कुफन अहद, वो भी यही बात कहता है। ला इलाहा इल्ला वो भी इस्लाम कहता है जो हिंदू धर्म कहता है। तो दोनों धर्म एक हैं, शब्दों का हेर फेर है, समझ का हेर फेर है। हम सब एक ही धर्म, एक ही बीज से निकले हुए हैं, एक ही डीएनए है, एक ही इसी धरती से जन्मे हैं, वो इसी मिल जाएंगे या बह जाएंगे या इसके अंदर खाक हो जाएंगे या राख हो जाएंगे। तेरा मेरा इतना सा फसाना है, मुझे खाक बन जाना है, तुझे राख हो जाना है। चलो ठीक है, इतना ही फसाना है जीवन का। ठीक है, बड़ी सुंदर बात कही आपने। मैंने आपसे पहले भी कहा ऐसा नहीं कि आपका नाम को देख करके मैं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन आपने जब भी थोड़ा सा वक्तव्य दिया था जब मुस्लिम के लिए, तब मैंने ये बात बोली। आपके विचार बड़े सुंदर है और मैं चाहूंगा कि ऐसा ही विचार सबका रहे। जो आप कह रहे थे कि सभी के अंदर हिंदू भी है मुस्लिम भी है, मैं तो भैया सिर्फ इतना जानता हूँ सभी के अंदर भारत है, अगर भारत है तो सभी देश है, सभी धर्म है, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। दूसरा अभी एक बात मुझसे रह गई थी, जब आप कह रहे थे कि अगर शिवलिंग का दर्शन नहीं कराया गया तो जब आगे शिवलिंग बनेगा तो उसको कैसे पहचाने कि यहाँ शिवलिंग था। तो तकी साहब, जब आपने इतने दर्शन किए हैं, इतने जगह गए हैं और सभी धर्मों को देखा है और आपका ज्ञान भी बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा ज्ञान का प्रदर्शन भी अभी किया है, उसके लिए हम सम्मान करते हैं आपका। तो हमारे ग्रंथों में इसका उचित वर्णन है कि कहाँ पे वो शिवलिंग स्थापित था, तो हम उससे पहचान लेंगे कि हमारा शिवलिंग है कि नहीं। दूसरा, सनातन कोई धर्म नहीं है, मैं आपको बता दूं, सनातन एक जीवन जीने की संस्कृति है, वैज्ञानिक रूप से संस्कृति है और आधुनिक विज्ञान से विकसित विज्ञान है। तो उस विज्ञान को भी समझे, उस विज्ञान के नाते भी सनातन संस्कृति ही सर्वोपरि इसलिए मानी गई आदि काल से अनंत काल तक। ये भी शायद तकी साहब अगर मेरी बात से सहमत हो, यही कहा भी जाता है, तो उस तरीके से हम लेते हैं। और आपकी सोच को हम चाहेंगे, आपसे उम्मीद भी करेंगे कि आप आम आदमी प्रवक्ता हैं, तो जहां आपकी फिलहाल पार्टी शासन है वहां पे और जहां आप प्रयास करें वहां पे भी इस सोच को जरूर करना है ताकि सौहार्द का माहौल बना। कैसे कुछ बोलना चाह रहे थे कैसे भाई? देखिए तकी साहब ने बहुत अच्छे विचार रखे जी, और इस प्रकार से विकास ने समर्थन किया जी। तो देखिए, हमने पहले ही कहा कि यहाँ पर अब्दुल कलाम जैसे लोग भी हैं, यहाँ पर तमाम सारे ऐसे प्रोफेसर भी हैं जो बहुत विद्वान हैं, मुस्लिम स्कॉलर भी बहुत विद्वान हैं, तमाम सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो संचालित कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर तन से जुदा सर तन से जुदा नारा लगाने वाले लोग भी। तो इसलिए आप जैसे लोगों लोग अगर सब लोग हो जाए तो हमें लगता है सारा विवाद ही खत्म हो जाए, लेकिन विवाद की जड़ कहाँ पे होती है कि अगर एक विचार मेल नहीं खाता है कोई बात कोई अपनी देसी देसी वहाँ विवाद था ही नहीं, पिछले 400 साल से लगातार वहाँ अजान भी हो रही थी, पूजा भी हो रही थी, नमाज भी पढ़ी जा रही थी, भारत में ऐसा विवाद था, सब साथ में रह रहे थे हमेशा मिलजुल के, दूसरे की बात को एक दूसरे की बात को सीधे किसी की जान ले लेना, किसी का सर तन से जुदा कर देना और नारे नहीं लगाना, उसके समर्थन में हजारों लाखों लोग आ जाते हैं। ये कौन सी संस्कृति है? विरोध इस संस्कृति का है, विरोध इस संस्कृति का नहीं है कि आप व्यक्ति को इसलिए मारना क्योंकि किसी विशेष समुदाय का बांध के लगातार मारना, इतना मारना कि मर जाए, किसी के बारे में फौड़ आ जाना, जैसे घर के अंदर गाय का गोश है, सोमनाथ के खिलाफ आज फैसला आया उसकी बात की आपने, सर तन से जुदा सीधे सीधे कलम कर देगी गर्दन सीधे कलम कर देंगे। इस विचारधारा का विरोध जरूर है और इस विचारधारा का विरोध सबको करना चाहिए, जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी समझदार लोग। ठीक है, अंकुर भाई अपनी बात पूरी करिए। अंकुर भाई, गौरव भाई, जैन साहब ने बड़ी खूबसूरती से अपनी बात रखी और तौकीर भाई भी अपनी बात को बहुत अच्छे से रखे। अगर अगर एक पक्ष के ऊपर ये बात लागू होती है, अगर हम मुस्लिम भाइयों के ऊपर ये बात लागू करते हैं जैसा कि जैन साहब ने कहा है कि वो लोग जो एक्ट करते हैं वो समाज विरोधी होते हैं, तो किसी एक वर्ग को आप कुछ लोगों के दोषियों के लिए आप पूरे समुदाय को दोषारोपण नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात है, अगर एक तरफ से ऐसा कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं फिर धर्मांधता की आड़ में आप हिंदुओं को यूनाइट करने के लिए और एक वर्ग विशेष के ऊपर आक्षेप लगाकर वोटों के पोलराइजेशन करने के लिए अगर आप कोई चीज करते तो आपको यह भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो भी गलत है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ लोगों के दोष के लिए पूरे समाज को हिंदू और मुस्लिम के कटघरे में खड़ा कर दिया, दोनों चीजें गलत है। होना यह चाहिए कि जब हमारे यहाँ
वहाँ पे उजू के नाम पर कुल्ला होता है, पैर धुलते हाथ धुलते इतने लोगों के सर तक सुझा कर दिए, हिंदुओं ने कितनों के सर तक सुझा कर दिया कर दिया सामने उदाहरण पेश किए जाते हैं कि अभी एक की गर्दन कटी है, 100 की गर्दन और कटेगी, कितने मुसलमानों की गर्दन हिंदुओं ने काट दी, इखलाक अहमद का नाम सुना आपने, इखलाक अहमद की काट दी। ठीक है ठीक है, आप सभी मेहमानों से कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा का विषय जो था वो था कि जो अभी आज आदेश आया है कि हिंदू वादी पक्ष की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया, हालांकि अभी भी वहाँ पर जो उनके पास समय है वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की न्याय व्यवस्था में तमाम तरह के चरण बाकी हैं और हर इंसान को, हर व्यक्ति को जो भारतीय है उसको अपना जो पक्ष रखने का यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है। पर निश्चित रूप से क्या हम ज्ञानवापी की बात करें या बाबरी मस्जिद की बात करें या श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह की बात करें, देश में तमाम तरह के राजनीतिक मुद्दे गरमाते रहे और हमेशा सियासत होती रही, पर हमने उसमें यह भी देखा है कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट यानी हमारे देश की सर्वोत्तम अदालत का आता है उस फैसले को सभी मानते हैं। मानते इसलिए हैं क्योंकि अदालत कभी फैसला गलत नहीं करती है, विवेक के साथ करती है, सारा पक्ष विपक्ष जानने के बाद करती है, अनुमान के हिसाब से करती है, मूल्यांकन के हिसाब से करती है और आने वाली स्थिति खराब ना हो इसको देखकर करती है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ज्ञानवापी जो मामला है इसका भी पटाक्षेप हो जाएगा। अब किसके पक्ष में फैसला जाता है किसके पक्ष में नहीं जाता है ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में ही संहित है, उसको कोई अभी देख नहीं सकता है। पर एक बात तो साफ है कि राजनीति धार्मिक मुद्दों पर हमेशा चलती रहती है और इस राजनीति के चक्कर में आपसी सौहार्द को ना बिगाड़कर आपसी में प्रेम बनाए रखना ही सच्ची इंसानियत है। और क्योंकि हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होने से पहले सबसे पहले जो सबसे बड़ी शख्सियत हैं वो हैं हम भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते हमारा सबसे बड़ा धर्म है वो है मानवता, क्योंकि भारत में हमने हमेशा सीखा है कि भारत हमेशा सम्मान देता आया है और उसी मानवता को पूरा करता आया है। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दी अनुमति, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।